रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास के कंप्यूटर का लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लेक्चर नंबर 9 को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आपके जो चैप्टर नंबर 1 है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये हम लोग पढ़ रहे थे। इसका हमारा ये आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद इंशाल्लाह जो लेक्चर नंबर 10 होगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। गाइडलाइन ऑफ द ड्रॉ फ्लो चार्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं फ्लो चार्ट को लेकर, वो आपकी लॉजिकल ऑर्डर में लिस्टेड होनी चाहिए। हमने पढ़ा है कि फ्लो चार्ट लॉजिकली तौर पर, यानी कि पेपर के ऊपर डिजाइन की जाती है। इसके बाद फ्लो चार्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ आ सके। इसके बाद आपकी फ्लो चार्ट की जो डायरेक्शन है वो या तो टॉप से बॉटम, यानी कि आपका कोई भी सैंबल हो, चाहे प्रोसेस सैंबल हो, चाहे इनपुट सैंबल हो, जो सा भी सैंबल होगा उसमें जो एरो का सैंबल होगा वो टॉप से बॉटम और लेफ्ट टू राइट जाएगा। जैसे टॉप से बॉटम के लिए आपके पास ये इमेज और लेफ्ट टू राइट जाने के लिए ये इमेज होती है। गाइडलाइन में हमारे पास आ जाती है कि वन फ्लो लाइन शुड बी कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सैंपल। जिस तरह से टॉप से बॉटम की तरफ एरो आ रहा है, इसी तरह से ही जिस तरह से टॉप से बॉटम वो इन हो रहा है, तो टॉप से बॉटम ही वो लेफ्ट होगा। इसी तरह से जिस तरह से लेफ्ट से राइट वो एंटर हो रहा है, तो इसी तरह से लेफ्ट से राइट वो आउट भी होगा। इसके साथ वो कहते हैं हमारे पास जो डिसीजन सैंपल होता है उसमें एक फ्लो लाइन एंटर होती है और दो फ्लो लाइन आउट होती हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एक फ्लो लाइन एंटर हो रही है और दो फ्लो लाइन आउट हो रही हैं। इसमें दो फ्लो लाइन इसीलिए हमने पढ़ा है कि ये डिसीजन सैंपल होता है, एक तरफ ट्रू और दूसरी तरफ फॉल्स स्टेटमेंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास इसकी गाइडलाइन में आ जाता है कि हम जो भी कमिट है वो रिमार्क के सैंपल में लिखेंगे, कुछ इस अंदाज में कि आपका रिमार्क का सैंपल होगा, उसके अंदर एक आप कोई भी कमिट लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इज द कॉन्फिडेंट डाटा, तो ये एक रिमार्क था। अगर आप अपने प्रोग्राम में भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो कंपाइलर होगा वो इसको इग्नोर करेगा। फ्लो चार्ट कम बिकम कॉम्प्लेक्स, अगर आपकी फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कॉम्प्लेक्स कब होती है जब फ्लो चार्ट ज्यादा लेंथी हो जाती है, तो उसको बेटर बनाने के लिए आप उस लेंथी कॉम्प्लेक्स आपकी जो फ्लो चार्ट है उसकी दो फ्लो चार्ट बनाते हो और बाद में उन दो फ्लो चार्ट को आपस में कनेक्टर यानी कि सर्कल के सैंपल से जोड़ देते हो। इसके बाद इट इज यूज टू टेस्ट द वैलिडेट ऑफ द सॉफ्टवेयर, आप देख लेते हो कि आपने जो जिस सॉफ्टवेयर के लिए ये फ्लो चार्ट बनाई है उसके लिए ये वैलिडेट भी है या नहीं। अगर हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के एडवांटेज क्या है। सबसे पहले द लॉजिकल ऑफ एन एल्गोरिदम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली, वो कहते हैं आपकी जो फ्लो चार्ट है वो आपके एल्गोरिदम को लॉजिकली तौर पर बड़े इफेक्टिव तरीके से डिस्क्राइब करे। उसके अलावा आपकी जो इट मेंटेन ऑफ द ऑपरेशनल प्रोग्राम बिकम्स इजी, आपके जो ऑपरेशनल प्रोग्राम्स हैं उसको ये मेंटेन्स का हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, देखभाल करने के अमल को कह रहे थे, या आप यूँ कह सकते हो मेंटेन, हाँ देखभाल का ही मतलब था। वो कहते हैं कि इट मेंटेन ऑफ द ऑपरेटिंग प्रोग्राम बिकम्स इजी, अगर आप अपने प्रोग्राम को जब वो बन जाए उसको आसानी से आप डिवेल्प कर सको, ऑपरेशनल वगैरह परफॉर्म करवा सको, तो बाद में भी आप उसको मेंटेन कर लो। उसके बाद क्या होता है, ये एक प्रोग्रामर के लिए एक गाइडर का काम करता है कि प्रोग्राम फ्लो चार्ट को देखकर प्रोग्राम बना लेता है इजीली। एल्गोरिदम की निस्बत फ्लो चार्ट को देखकर प्रोग्रामर को प्रोग्राम बनाना आसान होता है। अब हम इसमें पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट क्या थी, कि फ्लो चार्ट के अंदर लिमिट क्या क्या थी, या आप यूं कह लो उसके डिसएडवांटेज क्या क्या थे। तो डिसएडवांटेज कह लें या लिमिटेशन कह लें, तो इसमें डिफिकल्ट टू ड्रॉ, सबसे मुश्किल काम क्या होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, यानी कि कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम की एल्गोरिदम बनी हुई है उसकी फ्लो चार्ट बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा कहते हैं अल्टरनेशन आर रिकवर्ड द फ्लो चार्ट ड्रॉ इट टू बी रीड्रॉन, वो कहते हैं अगर आपकी फ्लो चार्ट में कहीं कोई गलती आ गई है तो आपको दोबारा से आपकी फ्लो चार्ट को दोबारा से रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये इसकी दो जो थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी। इसके साथ हमारा ये टॉपिक और साथ में हमारा ये चैप्टर कम्प्लीट होता है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मैं आपको आपके इंपॉर्टेंट MCQs और इस पेपर में या इस चैप्टर में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी डिटेल से बताऊंगी और साथ में एक असाइनमेंट भी आपको करने के लिए दूंगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आई होगी, आपको ये लेक्चर समझ आ गया है, और मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।